की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर हमारे बीच में श्री साई प्रसाद जी जो नेशनल ट्रेजरर है युवा मोर्चा के तेलंगाना हैदराबाद से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आए हैं सर, वो इस कार्यक्रम युवा संकल्प यात्रा के इंचार्ज है मुंबई के, तो हमारे बीच आए हैं। और मुंबई भर में सर प्रत्येक जिला में ऐसे 15 किलोमीटर, जैसे उत्तर मुंबई ने साइक्लोथॉन किया, ऐसे साउथ मुंबई ने मैराथन किया, तो हमने एक सिंबॉलिक हमारे स्वामी विवेकानंद जी के पुत्र से शुरुआत करते हुए, तो ये परिसर आप सब देख रहे हो साथियों, ये जो खूबसूरत परिसर है इसकी संकल्पना रखने वाले, इसकी नींव रखने वाले हमारे माननीय नेता माननीय आशीष शेलार जी, इनकी वजह से आज हम इतना बेहतरीन परिसर यहाँ पर रिक्लेमेशन में देख पा रहे हैं। और सर इसके युवा मुंबई उत्तर मुंबई जिला के उपाध्यक्ष विवेक सिंह जी हमारे बीच में है, दहिसर से साइकिलिंग करके आए हैं यहाँ तक। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैंने मुंबई से जिसे निवेदन करूँ उनका सत्कार करें, पुस्तक देखे। और इन्होंने जो हमारे बी लाइक एन ओलंपियन ये जो संकल्पना माननीय तेजस्वी सूर्या जी ने निकाली थी ओलंपिक के दौरान, तो रोज के रोज अलग अलग इवेंट करके इन्होंने अव्वल नंबर ऐसा एक खिताब हासिल किया मुंबई युवा मोर्चा के अंदर। इतने विवेक सिंह जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। साई प्रसाद जी विवेक सिंह जी का सत्कार करेंगे। साई प्रसाद जी माता की अभी मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, मैं राष्ट्रवाद की भावना को पोषित करने का संकल्प लेता हूं, मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का संकल्प लेता हूं, मैं सभी भारतीयों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लेता हूं, मैं पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लेता हूं, मैं एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लेता हूं। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो यूथ की तरफ से जो ये रैली निकाली गई थी साइकिल रैली, किस तरह आप देखते मराठी? पूर्ण मुंबई मध्ये आज भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर 75 किलोमीटर सायकल रनिंग मॅरेथॉन बाईक अशा पद्धतीच्या रॅलीज काढल्या। एक जोश युवांचा, एक ऊर्जा युवकांची देशाप्रती समर्पित होण्याच्या संकल्प भावनेने संपूर्ण देशभरामध्ये युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आणि त्यांच्या नेतृत्वात कार्यक्रम घोषित केला। मुंबईत माननीय मंगलप्रभात लोढाजींच्या नेतृत्वात आणि ते आमचे स्वतः तिवानाजी या सगळ्यांनी यासाठी खूप प्रयत्न केले आणि त्यांचा यशस्वी कार्यक्रम केलेला आहे। नजर आते तो आज स्वतंत्रता दिवस पर आपने इस रैली को निकाल कर क्या मैसेज देने की कोशिश की मुंबईकरों को? देखिए आजादी के 75वें साल को पूरे होने पर हमने समस्त देश में जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक आजादी का अमृत महोत्सव ये मनाने का आह्वान सभी जन से किया है, तो युवा मोर्चा के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी ने हम सभी युवाओं से ये आह्वान किया कि हमें आज के दिन पे 75 किलोमीटर अपने जो स्टेट है उसमें युवाओं को इकट्ठा करके उनको मोबिलाइज करके हमको 75 किलोमीटर एक युवा संकल्प यात्रा ऐसी हमको समस्त मुंबई में निकालनी है। और मेरे को आज गर्व होता है ये कहते हुए कि समस्त मुंबई में सभी 6 जिलों के अंदर आज हमने 75 से भी ज्यादा किलोमीटर पूरे मुंबई के युवाओं ने मिलकर, चाहे वो साइकिलिंग करके, चाहे वो वॉकिंग करके या फिर मैराथन करके, समस्त मुंबई में हमने 75 किलोमीटर ऐसा एक नारा युवाओं का संकल्प यात्रा हमने निकाल कर उसका समापन आज यहाँ पर रिक्लेमेशन में जो हमारे भारत का सबसे बड़ा तिरंगा मुंबई का 150 फीट का है उसके नीचे आकर हमने इसका समापन किया है। और सभी युवाओं ने आज ये प्रतिज्ञा ली है कि आने वाले अनेक सालों के अंदर हम सब युवा मिलकर एक नए भारत के निर्माण के अंदर अपना योगदान देंगे। तो किस तरह देखते हैं लोग मुंबई पहुंचे तो ये यूथ का जो साइकिल रैली थी संकल्प रैली, किस तरह से आपने इस रैली को देखा और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जोश और ऊर्जा लोगों में देखने को मिले? यहाँ का जोश तो आप लोगों ने भी देखा है, इतना भरी बारिश में कोई भी युवा मोर्चा कार्यकर्ता कोई भी पीछे नहीं हटे और संकल्प भी उसी तरह उतनी तेजो बारिश में भी उन्होंने तहे दिल से संकल्प लिया है और हमें पूरा भरोसा है
आज युवा संकल्प यात्रा का जो क्लैरियन कॉल तेजस्वी सूर्या जी ने लिया है कि अक्रॉस इंडिया में 75 लोकेशंस में 75 किलोमीटर्स में 75 लोगों के साथ करना है, तो आज तजिंदर तिवाना जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ने मिलकर आज 75 किलोमीटर्स का किया है और हमें पूरा भरोसा है आज तजिंदर तिवाना जी के नेतृत्व में न्यू इंडिया का जो संकल्प आज यहाँ मुंबई में लिया है ये पक्का पूरा करेंगे।